नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। आखिरकार बिहार की सियासत, जो इंडिया गठबंधन जहां से शुरू हुआ था, जहां की पहली मीटिंग जहां हुई थी, अब वहां पर बड़ी रार देखने को मिल रही है। और ये रार किसी और के बीच नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के बीच की है। वजह पप्पू यादव, वजह पूर्णिया की वो सीट जहां से लालू यादव अपनी अड़ी पर हैं, पप्पू यादव अपनी अड़ी पर हैं, फंसा दिया कांग्रेस को। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है कि क्यों पप्पू यादव अड़ गए हैं, लड़ गए हैं, और वो जाहिर तौर पर पूरी तरह से कह रहे हैं कि पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ा भी। आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। बुलेट पर बैठकर पप्पू यादव नामांकन का पर्चा भरने गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि पप्पू यादव की चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले आपको आसान शब्दों में और साफ साफ शब्दों में यह बता दें कि लालू यादव की एक धोबिया पछाड़ से कांग्रेस, पप्पू यादव, ये सारे चारों खाने चित हो गए हैं। वो कैसे? पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन कर दिया है, पप्पू यादव चुनाव में उतर गए हैं। पप्पू यादव पहले भी कह चुके हैं, और पप्पू यादव आज से नहीं, बहुत पहले से पूर्णिया को लेकर एक कैंपेन चला रहे हैं, प्रणाम पूर्णिया, उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि पप्पू यादव क्यों, अगर पप्पू यादव को चुनाव ही लड़ना था तो फिर कांग्रेस में क्यों गए, कांग्रेस से टिकट पक्की क्यों नहीं करी? तो आपको बता दें कि पप्पू यादव से जब इस बारे में बात की तो वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि मैंने सिर्फ कांग्रेस का पटका पहना है, कांग्रेस में शामिल हुआ हूं, लेकिन पेपर वर्क अभी भी नहीं हुआ है। यानी जाहिर बात यह है, सीधी बात यह है कि कांग्रेस पप्पू यादव पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि पप्पू यादव अभी लीगल तौर पर कांग्रेस के नेता नहीं हुए हैं जब तक पेपर वर्क पूरा नहीं हो जाता, और ये खुद पप्पू यादव ने कहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव से जब ये बात कही गई कि आपने आरजेडी से बीमा भारती को वहां पर मैदान में उतार दिया है और पप्पू यादव चुनाव लड़ने की बात करें, तो तेजस्वी यादव भी साफ कह चुके थे कि जो भी हमारे खिलाफ लड़ रहा है वो, यानी साफ तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। अब आ जाइए पप्पू यादव पर कि पप्पू यादव क्यों लड़ गए। देखिए, जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो रहे थे उससे ठीक एक दिन पहले आपने देखा होगा पप्पू यादव लालू यादव के घर राबड़ी आवास जाते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है। उसके एक दिन बाद पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेते हैं। कहा यह भी जा रहा था कि पप्पू यादव को आरजेडी में भी अपनी पार्टी के विलय करने का ऑफर किया गया, लेकिन पप्पू यादव ने विलय नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव जब कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने गए होंगे, कोई भी, जाहिर तौर पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब ये फैसला अपनी पार्टी के विलय करने का उठाता है तो जाहिर तौर पर उसकी कुछ शर्तें तो होती हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को साफ बोल दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, वहां से हामी भी मिल गई थी। लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी उम्मीदवार बनाती है, और साफ तौर पर बीमा भारती भी ये कहती हैं कि पप्पू जी हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और आपको याद हो कि बीमा भारती जेडीयू से निकल करके आई हैं, और आरजेडी में जैसे ही वो शामिल हुई लालू यादव उन्हें टिकट दिलवा देते हैं, और सिर्फ टिकट ही नहीं, आनन फानन में उनका नामांकन होता है। तेजस्वी यादव उनके समर्थन में रैली करने जाते हैं पूर्णिया में, जो कि पहली बार तेजस्वी लोकसभा चुनाव के लिए उस रैली में गए हैं, नामांकन की रैली में। अब सवाल ये उठता है कि लालू यादव ये भी जानते होंगे कि अगर पप्पू यादव मैदान में उतरते हैं तो उनकी जीत हार पर असर पड़ेगा, लेकिन पप्पू यादव भी ये जानते हैं, पप्पू यादव मधेपुरा से भी चुनाव लड़ चुके 2019 में, वो चुनाव हार गए। पप्पू यादव ये जानते हैं कि बिहार में यादवों की राजनीति करने के लायक अभी वो नहीं हुए हैं। बिहार में बहुतर जो यादव पॉलिटिक्स होती है वो लालू यादव के इर्द गिर्द ही है। बिहार का यादव लालू, जो ज़्यादातर यादव है, यादव वोट बैंक पर, लालू यादव का आज भी कब्जा है। एक वक्त में याद करिए, जब 2019 का चुनाव हुआ था तब पप्पू यादव ये बात समझ चुके थे और वो एक स्टेप आगे होकर के पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, और वो पॉलिटिक्स उन्होंने, जब आपने बाढ़ आई तब देखा होगा पप्पू यादव किस तरह से लोगों के बीच रहे, पप्पू यादव ने इसको खूब प्रचार भी कराया, खूब पप्पू यादव की वो तस्वीरें दिखी, जब वो आज भी पप्पू यादव के ट्विटर पर एक तस्वीर पिन है जहां पर वो एक छोटे से बच्चे से मिल रहे हैं, बाढ़ की वो तस्वीर है। तो पप्पू यादव ने बाढ़ के दौरान यादव पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सभी के लिए काम किया। आज वही एक वजह है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि उनके राजनीतिक करियर का अंत ना हो, और इसीलिए उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ने की ठानी है। जीत हार अपनी जगह होगी, लेकिन पप्पू यादव को यह पता है कि लालू यादव से इतर पॉलिटिक्स में उतरना और लालू यादव के इतर चुनाव लड़ना बिना उनकी सहमति के, बिना उनके हाथ के, यादव पॉलिटिक्स तो नहीं
खेल पाएंगे, इसलिए पप्पू ने पूर्णिया को लेकर के पॉलिटिक्स की। और बीमा भारती चूंकि उनसे राजनीति में भी छोटी है और बीमा भारती का वो कद वो चेहरा नहीं है जो चेहरा पप्पू यादव का है, ये हकीकत है। हालांकि 4 जून को नतीजे आएंगे तब ये पता चलेगा, लेकिन पप्पू यादव की वजह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो तकरार बढ़ी है, जो रार बढ़ी है, उससे इंडिया गठबंधन पर बड़ा असर पड़ेगा और उसी के साथ लोकसभा चुनावों में यूपी और बिहार में भी इसका असर पड़ेगा, जिस तरह से इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई उभर करके आई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस की लाइन के इतर कोई भी नामांकन करता है तो वो पार्टी का नामांकन नहीं माना जाएगा। लेकिन पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि पेपर वर्क नहीं हुआ है, लीगल तौर पर वो कांग्रेस के नेता नहीं है, ना ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है, सिर्फ पटका पहना है, अभी लीगल तौर पर पेपर वर्क नहीं हुआ है। तो लालू यादव के इस धोबिया पछाड़ से आपकी क्या राय है? क्या आप जानते हैं, आप भी समझते हैं कि लालू यादव ने एक पूरे खेल के तहत पप्पू यादव को ऐसी पॉलिटिक्स में फंसाया है, ऐसी धोबिया पछाड़ लगाई है जिससे पप्पू यादव का करियर हद तक एक हद तक अंत होता चला आया है और उनकी पार्टी भी अब नहीं बची है। वो कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, हालांकि वो लाख कहते रहे, पेपर वर्क हो चुका है, लेकिन वो तस्वीर कोई नहीं भूलेगा जब पप्पू यादव को पटका कांग्रेस ऑफिस में, कांग्रेस दफ्तर में पहनाया जा रहा था और पप्पू यादव भी वहां पर मौजूद थे। तो ये तस्वीर कोई नहीं भूलेगा और तस्वीर वो भी नहीं भूलेगा जो आज आई है, पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां पर नामांकन करते हैं, जबकि तेजस्वी यादव साफ कह चुके हैं कि आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के तहत हमने एक प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जिसका नाम बीमा भारती है, बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ रही हैं। अब पप्पू यादव वर्सेस बीमा भारती के बीच में आपकी क्या राय है? क्योंकि पूर्णिया की सीट बेगूसराय से भी ज्यादा सरगर्मी वाली सीट हो चुकी है, कन्हैया कुमार से भी ज्यादा सरगर्मी वाली सीट अब बिहार की पूर्णिया सीट हो गई है, जिस पर सभी राजनीतिक हलकानों की नजर है। आपकी सीट पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव इस चुनाव में जीतेंगे या फिर लालू यादव के हाथ से बीमा भारती यहां पर बड़ी जीत हासिल करेंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।